गाड़ी में ठीक है दल आदमी अबरो गोला जाता खोड़े जाता उठे खत्म आदमी मारे सबकी शिनाखत हुई तो गांव के लोग कहे या सतीश काम के लोग कहे वो या साचौर उपखंड आगे के उपखंड के आगे एकत्रित हो गए और न्याय की गुहार लगा रहे। ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ साचौर उपखंड मुख्यालय के आगे की जहाँ सतीश कौम के लोग ईसा राम के न्याय की मांग को लेकर गुहार पे बैठे हैं। अब मैं इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा लेकिन उससे पहले आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस ईसा राम को न्याय मिल सके। मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा, आप देखते रहिए लगातार इस खबर को। ईसा राम के साथ क्या हुआ था, भला ईसा राम ने ऐसा कदम उठाया या उसके साथ कोई अनहोनी हुई, पूरा मामला क्या है, इनको कितना पता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका क्या नाम है और ईसा राम? हमारे नाम से बुरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? साकर। साकर के रहने वाले हो? क्या हुआ ईसा राम के साथ? ईसा राम ने वो घटना हुई है, हमारे समाज जगह सब समाज जगह हाथा जोड़ी करो अन्न न्याय बेनो सही है और सजा मारनी सही है और सब कौन काज ने एक ने दुख ने दुख भारत पूरी समाज में दुख आयु है, पूरी भील समाज ने दुख आयु है। ठीक है, डाउट है आपने? हाँ आपने कौन डाउट है, कौन होने रहे हो? मन तो डाउट है के वो सॉरी शोर सॉरी करवा जाने जर के शोर सॉरी करे कुछ तो बसता काम नहीं तो के यो के कुछ तो बसता नहीं के घर थोड़ी भेड़ो है जो माती बसवारी साथी नहीं पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद। और सुरेश सागर जी भी इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या पूरा मामला था और ये अभी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग रखी है? देखो साहब, आए दिन जो भी गरीब परिवार है जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ ये अन्याय होता रहता है, हर समाज के साथ होता है, लेकिन जो जागरूक समाज है उसको न्याय मिलता है और जो गरीब समाज है उसको न्याय नहीं मिलता है। तो लेकिन सर थोड़े दिन की पहले की घटना माने हैं तो उसमें आपने विरोध प्रदर्शन किया था और आखिर आपको न्याय भी जरूर हाथ लगा था? देखो उस केस में भी कुछ हद तक तो मीडिया ने भी गलत फैलाया, कई लोगों को जानकारी भी नहीं अभी उस पूरे केस की। उस केस में भी मर्डर हुआ, नाबालिग थी, सब कुछ। लेकिन हुआ। सर उसमें तो चलो हो गया, लेकिन अब ये जो 77 से सौ मिला है उसके बाद आप एकत्रित भी हुए और अब आपकी क्या मांग है और आपको क्या डाउट है? देखिए साहब, ये मुंह में उसके कपड़ा ठूसा हुआ है, जगह जगह चोटों के निशान है, धारदार हथियार से लगी हुई है चोट, ये 16 मर्डर है। अब ये जांच का विषय है कि मर्डर करने वाले का मोटिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या, वो जांच का विषय, ये जांच का विषय है। लेकिन ऐसा अक्सर गरीब समाज के साथ क्यों होता है, कमजोर समाज के साथ होता है, दूसरे जो जागरूक समाज है उनको न्याय मिल जाता है। अभी तक जितने भी भाई लोग यहाँ आए हैं, सरपंच जी आए, सब कुछ आए, ठाकुर साहब आए, लेकिन वास्तविकता ये है कि 36 कौम आके न्याय के लिए लड़ती तो है, वो परिवार बहुत कमजोर होता है और उस परिवार को इतना दबाया जाता है कि वो आगे नहीं लड़ सकता। ऐसी परिस्थिति में मैं पिछली बार भी ये कोशिश करी थी कि 8-10 लोगों की टीम बनाई जावे और अभी भी यही कह रहा हूं, अगर हमें न्याय चाहिए तो वास्तव में वो टीम आगे बढ़े और वो लड़े। सर राजस्थान पुलिस की टीम ने 3 टीमों को मौके पर बुलाया और उन्होंने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, भला उनके हाथ भी कोई सफलता लगेगी? ऐसी आशा है कि वास्तव में जिस जगह पे एफएसएल की टीम आई है, जांच करी है, अब इस डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट्स लेने चाहिए थे, जो मुझे नहीं पता लिए या नहीं लिए। मैंने मौके पे जितने रिश्तेदार थे उनको कहा था उस डेड बॉडी को हाथ ना लगावे कोई, अगर फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, अगर वो हथियार होते हैं, ये कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। हमें न्याय नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ती, तो वो कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। और इस मामले में जितने भी लोगों को पता है झूठ ना बोले, मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ झूठ नहीं बोले, सच्चाई अगर हुई तो हम जरूर जीतते। अब आपकी क्या मांग है इस ईसा राम के शव को लेकर, इस बॉडी मिली उसके बाद आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो आरोपियों को पकड़ने या और भी कोई मांग रख रहे हैं? देखिए साहब, हमें तो न्याय की आवश्यकता है, मैं हमेशा न्याय के लिए लड़े हैं, क्योंकि परिवार का जवान बंदा है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हमें न्याय की जरूरत है।
जो जुर्म किया है उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि जुर्म में माफी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। कोई भी आरोपी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन वो आरोपी हो और उसको सजा मिलनी ही जरूरी है। अब आपकी मांग है कि इसको आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और आरोपियों को पकड़ना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे भला इस मामले के बारे में उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, काफी समय से ऐसी घटनाएं होती है, आज भी ये घटना को अंजाम दिया, क्या कहना चाहेंगे? आज भी ये घटना हुई तो कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था लचर है और ये घटना बहुत ही जघन्य हुई है। आम जनता अगर शहर में सुरक्षित नहीं है, सीसीटीवी कैमरों की नजरों में है, जब नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी कैमराज लगाए और उसके नजर में लोग उठा के उनका मर्डर कर देते हैं, लूटपाट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य। लेकिन कुछ ही लोग बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं, बाकी सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन पूरे क्षेत्र को बदनाम कर देते हैं। जी कुछ ही लोग होते हैं, ये बात तो आपकी सही है, पर उन लोगों पे लगाम क्यों नहीं लग रही है, उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है। आम जनता भुगत रही है राजनीति के दबाव में, राजनीति के प्रेशर में आकर अगर उन लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं तो भुगत तो आम जनता रही है। कैमराज लगे हैं, करोड़ों के कैमराज लगे, आम जनता के टैक्स क्या लगे, आम जनता अगर सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या जरूरत है ऐसे राजनेताओं की जो आम जनता को सुरक्षा मुहैया नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम व्यक्ति, किसान व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हमेशा सुरक्षित महसूस होना चाहिए। जी लेकिन अब सुरक्षित क्या महसूस हो रहा है, कहाँ हो रहा है सुरक्षित महसूस, कहाँ हो रहा है? एक आदमी आता है गांव से, उसको उठा के उसका मर्डर कर दिया जाता है और बहुत ही बर्बरता पूर्ण उसकी हत्या हो जाती है, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? और भी कई लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस मामले के बारे में। आप सर क्या कहना चाह रहे हैं और ये पूरा क्या मामला है, आपको कहाँ तक कितनी जानकारी? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लगातार पिछले कई समय से इस प्रकार की सांचौर में इस प्रकार की घटना होना शर्मसार बात है। अभी भी ये जो घटना घटी है इसकी जिन शब्दों में भर्त्सना करें उससे कम है। इससे साबित होता है कि यहाँ का जो कानून तंत्र है वो बिल्कुल लाचार है और मजबूर है, फेलियर है, और लगातार इस प्रकार की घटना और पीड़ित को न्याय नहीं मिले, ये हमारे सबके लिए शर्मसार की बात है। और सवालिया निशान खड़ा होता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था है जो नाम मात्र की है और कहीं कहीं इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है उनको कहीं कहीं उनको जो है पर मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण के बिना इस प्रकार की ये जो घटना इसको अंजाम नहीं दे सकते, सीधी सट बात है। लेकिन एक किसान प्रवृत्ति व्यक्ति जो दुसुरावा से अपने गांव से निकला, सांचौर में किराना का सामान लो या और कोई सामग्री लेकर अपने खेत में जाने वाला था, भला उससे तो किसी के ज्यादा संपर्क ही नहीं होगा, तो उसके साथ ऐसी घटना हो जाए तो यही तो बात है। पिछले कई टाइम से जो इस प्रकार के जो लोग है, गुंडागर्दी को फैलाने वाले जो लोग हैं, लगातार इनके हौसले बुलंद है और इस प्रकार की घटना को अंजाम देना उनके लिए मामूली बात हो गई है। और सही और अनुशासित व्यक्ति, आम पीड़ित और किसान बहुत ही सहमा हुआ है और इसके विरोध में हम सभी लामबद्ध है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। और भी कई लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। बापूरो कौन मामलो है, थाने कतरो ध्यान है, कौन मामलो हुए, कौन सा ध्यान है? के हासोर श्यामा लारू आवे और 5 बजे अबर रात रहो बोलो 5 बजे आज रा 5 बजे आ रहा था बरोबर। हां बड़ा बड़ा रोड माथे सड़े गाड़ी में आ नेलिया ठीक है ननात में बरो और गोला जाता खोड़े जाता उठे खत्म आदमी के मारे और उठे जाड़ा में बलगाड़ो लो आ बात मेत्रो जणा कल मेठे बैठा हां मोने या सरकार उचर दइए एवी रीति ने मारियो एवी रीति ने मारियो आ बात है पूरो यार मोरे पुरुक लेणो के मारियो कणे कणे मादे खत्म की दो आ बात है सर। गर्दी आदमी ओटे खेतर जाता था और बस में जाते ही कटे यारी घटना हुई रही। हां अच्छा जाता था यार घरे अन बसे घटना हुई कौन मानो दे या घटना ने हां मोना मोना तो मर्डर मरी गयो एम मारियो कणे मारियो आ कणे मारियो यार गोत करनो मोरे जरे तक न्याय नहीं मिलसे ते बैठा अच्छा बैठा अच्छा न्याय न मिले जेड़े बे और न्याय मिले ना न्याय मर जाए उठ जाए या ठोर थी जेड़े मार दे अच्छा मरवा चार मास 3-4 मर तो घुड़ा है बे 3 छोरिया ठे बरोबर पहल के पल डाला हुआ उगा कोई नहीं हुआ हमें तो पूरा परुग लेन उठ गया अच्छा बोले वाला
जिला प्रमुख जी मौके पर पहुंचे हैं। सर, पूरा क्या मामला है और हमेशा ऐसी क्षेत्र में घटनाएं होती है, आप क्या कहना चाहेंगे और न्याय की गुहार के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से मैं देख रहा हूं पूरे एक साल से, जिस तरीके से 2-3 साल में पूरे श्रम पे है जालौर जिला, जिस तरीके से और एससी के साथ इस तरीके से घटना दिनों दिन बढ़ रही है, आज तक न्याय अभी तक नहीं मिला। जिसमें पिछले घटना का भी जिक्र करो तो जिस तरीके से 2 घटना रेप हुआ 2 लड़कियों के साथ, लेकिन अभी तक वो अपराधियों का वगैरह कोई बखौफ होकर घूम रहे। और मेरे को भी रात को फोन लगभग 10:30 बजे आया कि इस तरीके से घटना हुई है। मेरे पापा जी वो वीआराम जी एलडीसी करके हैं, कार्मिक अपने बागुड़ा में लगे हुए हैं, उनके फादर, तो मेरे फादर गए थे कि बाजार, और इस तरीके से घटना बड़ी निंदनीय है। सर, आप प्रशासन में माने तो जनप्रतिनिधि में आप जिले के प्रमुख भी है, फिर भला आप इस तंत्र को संभालने के लिए बड़े स्तर की कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? कांग्रेस राज, हम लोग तो कई सालों से, कई 1.5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, हर घटना पे भी जा रहा हूँ, कम से कम हम लोग भी संभागीय आयुक्त साहब से भी मैंने अभी बात की, और इस तरीके से मेरे को मामला अभी तक कलेक्टर और एसपी तक यहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि ये एसटी का मामला है। बाकी समाज का होता तो इस तरीके आज तक सिर्फ एसटी को वोट बैंक ही इन लोगों ने माना है, और हम पूरा इस सिस्टम को ही चेंज करना चाहेंगे आप सभी से हम मिलकर। लेकिन सर, प्रशासन तो सभी जाति धर्म को एक मानता है और आप कह रहे हैं एससी एसटी का जब मामला है तो आज तक कलेक्टर और एसपी एसटी की जितनी भी घटना है मौके पर क्यों नहीं आते? अब आप क्या मांग रहे हैं? आप भी फील्ड में हो, जितने भी आप देख रहे हो, एक भी पूछा हो तो आप लोग बताओगे इस तरीके से जैसे हो रहा है। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये न्याय की मांग कर रहे हैं, बाकी धरने पर बैठे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा बैठे, हाँ तब तक बैठे रहेंगे हम। साचौर क्षेत्र के गोलासन गांव से एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी तो फैली लेकिन लोगों में भय का माहौल भी फैला हुआ है। आज साचौर उपखंड मुख्यालय के आगे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से न्याय की मांग भी कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीर सिंह है, छुरावा के रहने वाला हूँ। ये सब भील भाई है, हमारे साथी है, हर समाज, ये एक समाज नहीं, हर समाज को जितनी भी कोई भी तकलीफ होती है तो हम साथ में रहते हैं, और अब वो हम नहीं गिनते कि हम ये वो है ये वो है। मान लिया सर, राजपूत हमेशा लीडर पना करते थे और आज आप भी अगुवाई कर रहे हैं और इनके साथ न्याय पे बैठे, न्याय पे हो, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम सब इनके साथ में, और न्याय लेकर यहाँ से उठेंगे, नहीं जाएंगे पहले नहीं जाएंगे जब तक न्याय नहीं, प्रशासन को इनको न्याय देना है नहीं मिलेगा तब बैठे रहेंगे। साचौर क्षेत्र में दिनों दिन ऐसी घटना होने के बाद भय का माहौल बना हुआ, लोग कह रहे हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम इस जाजम से खड़े तक नहीं होंगे। ओम प्रकाश चौधरी, साचौर।